वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चेन्नई दौरे पर है। चेन्नई फोरम द्वारा आयोजित बजट वार्ता में आज केंद्रीय वित्त मंत्री ने संबोधित किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार का बजट दूरदर्शितापूर्ण है। देश में लगातार बढ़ रहे तेल के दामों को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर ट्वीट के जरिए हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को सप्ताह के उस दिन का नाम अच्छा दिन रख देना चाहिए जिस दिन डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी ना हो, क्योंकि महंगाई की मार के चलते बाकी दिन तो आम जनों के लिए महंगे दिन है। लगभग 90 दिनों से कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली में आंदोलनरत है। इसी के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल किसानों से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में किसान संगठनों के नेता भी शामिल होंगे। देश में टूलकिट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने दिशा के समर्थन में ट्वीट किया है। ग्रेटा ने कहा कि बोलने की आज़ादी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, जनसभा, ये सब मानव अधिकार है, ये लोकतंत्र का मूल हिस्सा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की नेता शाजिया इल्मी ने बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने डंपी पर बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली के वसंत कुंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीती 5 फरवरी को वो रात्रि भोज के एक कार्यक्रम में शामिल हुई, वहाँ डंपी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। केंद्र सरकार ने साकाश श्री ननकानम साहिब के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाने वाले सिखों के जत्थे पर रोक लगाई है। श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोरोना के कारण सिखों के पाकिस्तान जाने पर रोक लगाई है तो मार्च में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही। मिजोरम और आंध्र प्रदेश का आज स्थापना दिवस है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और दिग्गज नेताओं ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। जयपुर में आज किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने पैदल मार्च किया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि किसान आंदोलन में अब तक कई किसानों की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर रोक लगा दी, इसके बावजूद भाजपा की मोदी सरकार देश के किसानों पर ये बिल थोपना चाहती है। राजस्थान में आज किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने पैदल मार्च किया, तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर पलटवार किया। पूनिया ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शासन में ना आमजन सुरक्षित है, ना ही बहन बेटियां सुरक्षित है, और कांग्रेस के दिल्ली दरबार को कुछ करने के लिए मुख्यमंत्री पैदल मार्च कर पाखंड की राजनीति में व्यस्त है। जयपुर एयरपोर्ट पर आज कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शारजा से आने वाले एक व्यक्ति को 70 लाख का सोना लाने पर हिरासत में ले लिया है। व्यक्ति सोने के 2 टुकड़ों को अपने जूते में छिपाकर ला रहा था। सोने के प्रति टुकड़े का वजन 750 ग्राम था।